विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। डाक सेवाओं से राजस्थान का गहरा नाता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जब डाकघर से होकर कोई पत्र आता था तब बातें कम होती थी मगर एहसास ज्यादा होता था। जी हाँ, डाक का रिश्ता कुछ ऐसा ही था। विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना स्विट्जरलैंड में हुई। ये दिन डाक सर्विस और उनके लिए काम करने वाले लोगों के लिए समर्पित है। विश्व डाक दिवस मनाने का मकसद लोगों और व्यवसायों के दैनिक जीवन में पोस्ट की भूमिका को समझाना है। विश्व डाक दिवस का इतिहास 1840 में शुरू हुआ। रोलैंड हिल ने शुरू की दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा। पहली बार 1969 में टोक्यो में मनाया गया विश्व डाक दिवस। 1 जुलाई 1876 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना भारत। यूनियन का सदस्य बनने वाला भारत बना एशिया का पहला देश। डाक सेवाओं से राजस्थान का भी अनूठा रिश्ता है। राजपूताना का डाक इतिहास संचालन में विभिन्न निजी डाक प्रणालियों के उल्लेख के बिना अधूरा होगा। मिर्धा परिवार के हाथ में थी मारवाड़ की डाक व्यवस्था। मुगल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी संभाली व्यवस्था। डाक सेवाओं के विकास और रखरखाव का किया काम। मिर्धाओं को घोड़ा कासिद की उपाधि से भी नवाजा गया। पश्चिम में लाहौर, पेशावर, काबुल तक फैले हुए थे मिर्धा। बीकानेर, दिल्ली, बूंदी के साथ भी था जुड़ाव। गोडवाड़ या चंद्रावती साम्राज्य से भी मिर्धाओं का जुड़ाव। 18वीं शताब्दी में जोधपुर में संगठित थी मिर्धा डाक व्यवस्था। कबूतरों के माध्यम से वितरित की जाती थी डाक। बलदेव राम मिर्धा के नाम से जारी किया गया डाक टिकट। 17 जनवरी 1989 को जारी किया गया 60 पैसे का डाक टिकट। आज विश्व डाक दिवस है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के मारवाड़ राज्य में मिर्धा डाक व्यवस्था प्रमुख रूप से प्रचलित थी। इस डाक व्यवस्था का संचालन कुचेरा के मिर्धा परिवार के हाथों में था। हमारे साथ हैं किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा के पड़पोते रघुवेंद्र मिर्धा, जो हमें इस मिर्धा डाक व्यवस्था की जानकारी देंगे। सर, ये जो डाक व्यवस्था थी ये कब से शुरू हुई थी इसकी? अनुमानित तो ये बहुत पहले से है, लेकिन ये जो विधिवत मारवाड़ के ऑफिशियल सिस्टम में आई वो 16वीं शताब्दी के आखिरी में से लेके हिंदुस्तान में जब तक ब्रिटिश शासन नहीं आया जब तक तो ये मारवाड़ की ऑफिशियल डाक सेवा थी। मारवाड़ में और भी डाक सेवाएं थी, ब्राह्मणी एक डाक सेवा थी, लेकिन मारवाड़ डाक जिसे अपन बोलते हैं वो ऑफिशियल इसलिए हो गई क्योंकि मारवाड़ रियासत ने उसको अपना ऑफिशियल ऑफिशियल कोरियर सर्विस बोल दीजिए या ऑफिशियल डाक सर्विस बोल दीजिए उसका नाम दे दिया था। सर, इसकी जो डाक आप बता रहे हैं कि मारवाड़ राज्य में और भी डाक व्यवस्थाएं प्रचलित थी, तो ये जो मिर्धा डाक व्यवस्था थी ये और से किस तरह से अलग थी? मैंने यही कहा आपको, क्योंकि ये मारवाड़ रियासतकार की ऑफिशियल कम्युनिकेशन सर्विस हो गई इसलिए प्रचलित हो गई। ख़ास तौर पे ये था कि उस जमाने में मैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति, उसकी गोपनीयता और उसके संदेश और जो सामान भेजा जा सकता था उसको सबसे ज़्यादा सिक्योर कौन रख सकता था, उस पर महत्व दिया जाता होगा। तो सर, इसकी अगर हम रीच की बात करें तो डाक का जो आवागमन है वो कहाँ से कहाँ तक का रहता था? मतलब ये क्या हिंदुस्तान के बाहर भी इसकी रीच थी? ये रिसर्च अभी चालू है, लेकिन जो कोई भी रिसर्च अवेलेबल है फिलहाल जोधपुर आर्काइव्स के अंदर और फिर बीकानेर आर्काइव्स में, मिर्धा डाक जब से चालू होती है करीब 15वीं-17वीं के आसपास में उसकी रीच काबुल से लेके कांडला तक की है। तो सबसे शुरुआती इसके जो सिस्टम मिलते हैं कि जो कारवां चलते थे और उसमें जो लूट होती थी उसको रोकने के लिए लोग साथ में चलते थे और फिर कारवां के साथ साथ मिर्धा प्रणाली सिस्टम से डाक और संदेश भी कांडला से लेकर काबुल तक जाने लगे। और ख़ास बात ये थी कि अभी अफ़गानिस्तान का जिक्र हुआ ही है, इतना सब कुछ हुआ है, फर्स्ट अफगान वॉर और सेकंड अफगान वॉर के बीच में जो नक्शे चाहिए थे अफ़गानिस्तान पहुंचने के वो कई हद तक जो बीकानेर स्टेट के पास में या जोधपुर स्टेट के पास में उपलब्ध थे मिर्धा डाक के रूट के हिसाब से उसको बहुत इस्तेमाल किया गया था और अभी फ़िलहाल इस पर रिसर्च चल रही है।
आपको बता दें कि पूरे मारवाड़ में शिक्षा के महत्व को देखते हुए बलदेव राम मिर्धा ने किसानों के बच्चों के लिए कई छात्रावासों की स्थापना की। उन्होंने किसानों को जमीन का हक दिलाने का काम किया। यही वजह है कि डाक से जुड़े इतिहास और उनकी समाज सेवा के लिए उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।